विकास को सार्थक करने के लिए महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्त समाज जरूरी है। यह बात डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संवाद में कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हम होंगे कामयाब अभियान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला कुशाभाव इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि एक पवित्र मिशन है, केवल शासकीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पखवाड़ा नीचे तक जाएगा, हर बेटी हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। एमपी सरकार के हर कार्यक्रम में कन्याओं को पूछकर संदेश दिया जाता है, बेटियां देवी स्वरूप है। आज की सेशन थोड़ा सा पैनल सेशन होगा हमारा साइकोलॉजिकल एम्पैथेटिक सपोर्ट सिस्टम्स बनाने में। जब तक इस स्लोगन से हमारा समाज जुड़ा रहा, तब तक हमारा देश विकृतियों से, समस्याओं से, ईश्वर की कृपा से बचता रहा। जब से जेंडर बेस्ड वायलेशन बढ़ा है, तब से हमारे समाज में, हमारे देश में समस्याएं बढ़ी। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में माहौल बदला है। लाली लक्ष्मी योजना आई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला। अभी सुधिया जी बता रही थी कि कितने प्रकार की योजनाएं हैं, जिससे वन स्टॉप सेंटर से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं शासन की ओर से योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन आज का कार्यक्रम है एक्टिविज्म को बढ़ाना। शासन की तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक प्रकार से सिर्फ सरकारी कर्मचारी से नहीं हो सकता, उसको जन आंदोलन बनाना पड़ता है। हमारा देश बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंच गई है। जर्मनी जापान अमेरिका चाइना पर हमसे आगे बचे हैं, 4-5 वर्षों में वो भी पीछे हो जाएंगे। फिर अमेरिका चाइना बचेगा जो 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं, अमेरिका चाइना भी पीछे हो जाएगा और भारत सुपर इकोनॉमिक पावर बनकर उभरेगा। लेकिन ये विकास, ये समृद्धि कभी कभी विकृतियां लेके भी आती है, उसके लिए हमें सजग रहना है। ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो विकास, जो हमारा स्वर्णिम भविष्य है, जो विकास का फल, तो आने वाली पीढ़ी को ही खाना है। लेकिन आने वाली पीढ़ी है जो उस काबिल रहेगी, चाहे वो अपने गलतियों के कारण या दूसरों की गलतियों के कारण, तो उस पर आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब ने इस विषय को हाथ में लेके और उसको एक जन आंदोलन बन जाए, इसके लिए यहाँ पर सत्र के माध्यम से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर इसीलिए बनाना जरूरी है कि जो जरूरी काम है उसके लिए सरकारों के पास पैसे की कमी ना हो। ये तो हम लोग देखते थे पहले कि एक गांव में यदि 2 हैंडपंप कोई विधायक करा देता था, तो उस गांव में जब वो विधायक जाता था तो बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत होता था कि बहुत बड़ा काम करा दिया, 2 हैंडपंप करा दिया, 1 ट्रांसफार्मर लगवा दिया, तो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि पैसे की कमी रहती थी सरकारों के पास। नए अभियान के शुरुआत के लिए आप सब लोगों ने कमर कस लिया है, निश्चित रूप से ये नीचे तक जाएगा और हर बेटी हर महिला अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगी, सशक्त भी महसूस करेगी। और जहाँ पर मातृशक्ति की पूजा होती है, बेटियों की पूजा होती है, अब तो मध्य प्रदेश ने एक बहुत अच्छा अभियान शुरू कर दिया, जो कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो पहले कन्या पूजा होता है, और वो कन्या पूजा ही कन्या चाहे किसी भी समाज की हो, जाति की,
वहाँ के मंत्री, वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक उनका पैर छूते हैं और मैसेज देते हैं समाज को कि ये देवी स्वरूप हैं और इनकी रक्षा करेंगे तो देश की रक्षा होगी। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आप अपने अभियान में सफल हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए। उल्लेखनीय है कि हम होंगे कामयाब पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है बल्कि पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाकर एक नए समाज की नींव रखना भी है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।